बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ आपके दोस्त सैयद और दुआ करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से रहें। नेक्स्ट डे हो गया जी, ऑफिस स्टार्ट हमारा वीकेंड के बाद। वीकेंड भी हमारा बड़ा इधर उधर घूमने में ही निकला और कुछ परचेजिंग करने में निकला। तो फिलहाल अभी गाड़ी फिर मेरी गंदी हो गई बहुत ज़्यादा, तो अभी दिखा ये देखें जी, ये बस दरख्त के नीचे खड़े करें और फिर ये मुर्गियाँ आके इधर बैठ जाती हैं। इस वजह से बैठने लगा हूँ ये गाड़ी के अंदर, क्योंकि आज से फिर नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो गई अपनी, आना जाना। शाम को मुझे शायद मेरा इरादा है कि मैंने जाना है, अल्लाह भला करे शाम को शायद मैं जाऊँ मार्केट। यस, मार्केट जाऊँगा इंशाल्लाह। एक्चुअली ये मैंने रिसेंटली जो है माइक परचेज़ किया है, तो मैं एक्चुअली इसकी जो रेंज है वो चेक करना चाह रहा हूँ। इसकी रेंज एक्चुअली जो है वो 50 मीटर के लगभग है, जो कि बनती है 160 फीट। तो माइक मैंने ऑलरेडी लगा लिया है और इसकी साउंड क्वालिटी एक्चुअली मेरा चेक करने का मकसद है कि जो साउंड क्वालिटी है वो अच्छी है या नॉर्मल है, कैसी इसकी साउंड क्वालिटी है। तो इस वजह से जो है मैं ये चेक कर रहा हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी आती है, और मैंने इसलिए ज़रा दूर अपनी गाड़ी पे रख के लगाया हुआ, देखता हूँ इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। मैं ये ज़रा जा रहा हूँ विंडो शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि अब गर्मी के टाइम है, गर्मी तो बहुत है, लेकिन मैंने कहा ज़रा ऑफिस वाले टाइमिंग गए, अगर बाद में जाऊँगा तो फिर मुझे वहाँ पार्किंग में इशू जाता है। तो मैं आ गया हूँ गाड़ी के पास, यहाँ से ज़रा जाऊँगा मैं एक मार्केट। सुनने में आ रहा है कि वहाँ बड़ी ज़बरदस्त सेल लगी हुई है, तो सेल ज़रा जाके देखते हैं जी। मैंने सुना है बहुत ज़बरदस्त किस्म की सेल लगी हुई है, तो जाके देखता हूँ मैं। और बस छोटा मोटा सामान लेना है, ज़्यादा नहीं, और रूम के लिए कुछ सामान लेना, रूम के लिए नहीं लेना बल्कि ऑफिस के लिए कुछ सामान लेना है, लाइक जैसे ग्रॉसरी में जैसे मुझे चिली सॉस लेनी है, कभी कुछ खाना बनाना मंगवाते हैं बाहर से तो कुछ बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, तो उसमें थोड़ा स्पाइसी डालने के लिए चिली सॉस वगैरह टाइप कुछ लेते हैं। तो ज़रा मैं अभी मार्केट जा रहा हूँ, मार्केट चलते हैं और देखते हैं इंशाल्लाह। और चीज़ें भी लेनी है ज़रा, ऑफ़िस वगैरह आते हैं तो ऑफ़िस के लिए शर्ट्स, टी शर्ट्स वगैरह, टी शर्ट्स तो मेरे पास बहुत हैं, टी शर्ट्स तो नहीं लूँगा फ़िलहाल मैं। तो चलें जी वहाँ मार्केट चलते हैं और जाके देखते हैं कि क्या क्या ये सेल लगी हुई है वहाँ पर। ये लगे पहुँच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, चाबी निकालेंगे। गर्मी बड़ी ज़बरदस्त हो रही हुई है जी, बहुत दबा के गर्मी पड़ रही है। धूप है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की धूप है जी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की धूप है। देख लेंगे ज़रा, एक दफ़ा बंद ही है ना, बंद है। ये है जी मार्केट गिफ्ट स्टार, मैं आया हूँ इस साइड पे, यहाँ से लेते हैं कुछ सामान वामान, देखते हैं इंशाल्लाह क्या मिलता है यहाँ से। चश्मा देखते हैं, अगर चश्मा मिलता है तो सही है। लास्ट टाइम आया था तो मैंने एक पेयर ढूंढा था, वो मुझे नहीं मिल रहा था, ये वाला ब्लैक, ये थोड़ा सा डिफरेंट नहीं, ये वाला सही लग रहा है। ये लग रही है कुछ लुक, मालूम नहीं सही लग रहा है साला, एक तो ये आगे ये भी आया हुआ, ये है कुछ लुक, 10 दिरहम का है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो देखते हैं अगर ये वाला लेते हैं, नहीं तो ये लेते हैं पलंग वाला,
ये मैं लेके गया था पहले ऐसा स्टाइल, लेकिन वो ज़्यादा सही नहीं लगा। ऐसे मेरे पास है तो सही, चलो वैसे मैं ले लेता हूँ ये वाला, देखते हैं लेके ये वाला। और ज़रा ऊपर से भी कुछ, लेकिन मसला सर है इसका, ये चीज़ें बड़ी नाजुक होती हैं, यहाँ से टूट जाता है। ऊपर स्टोरी भी आ गया हूँ, यहाँ से देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो। बच्चों के सेक्शन ही यहाँ, ये सब बच्चों का सेक्शन ही है। जेंट्स का किधर है भैया, आगे से सीधा। वो उधर है आगे, ये शर्ट्स वगैरह भी लगी हुई है, लेकिन ये पार्टी शर्ट्स हैं। प्लेन दूसरी साइड भी ये जीन्स लगी हुई है, ऊपर प्लेन लगी हुई है। ये क्या इसका साइज है, ये अच्छी लग रही है। अगर ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता चले ना कि साइज के है। लेकिन ये वो है नहीं, पार्टी वगैरह पे पहनने के लिए है। ये भी कुछ है, साइज क्या है इसका, लेकिन अगर से रिब ना हो, रिब होगी तो फिर ऑफिस में पहनने के लिए काबिल नहीं रहेगी। रिब तो नहीं है, रिप्ड है, या आगे से रिब्ड है जी, ऑफिस में नहीं पहन सकते हैं, यही मुश्किल होगी। इसका क्या साइज होगा, मैं जैसे देखता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे मिल जाती है साइज़ तो नहीं मुझे पता चल रहा है, ये चेक करनी पड़ेगी लगा के। ये कुछ आ रही है, फिटिंग भी ठीक है, नीचे से भी ठीक है, ऊपर से बेल्ट बस थोड़ी सी टाइट है, बड़ी स्ट्रेच है तो चलो चल जाएगी। पीछे सही है, बस यहाँ से थोड़ी सी टाइट है, लेकिन इसको अगर मैं वक्त के साथ सही कर लूँ तो ये ठीक हो जाएगी। ये जी ये मैंने ले ली है, थोड़ा कलर भी डिफरेंट है, और क्या कहते हैं थोड़ा साफ़ सुथरी भी है, और इसको ज़रा धो के पहनेंगे तो ज़रा सही हो जाएगी। ये भी पसंद आ गई जी, कलर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ऑफिस यूज़ के लिए भी अच्छी है, साफ़ सुथरी है, बस इसको धो लेंगे जाके। दो ले लिए मैंने, एक ये है और एक ये वाली है। सामान हमने ले लिया है, जल्दी दबा के बढ़ रही है जी, लग बताइए शुरू हो गया हूँ मैं दो मिनट में। मैंने क्या लिया जी, मैंने बस थोड़ा सा सामान लिया है, मैं एसी लेने था। गाड़ी स्टार्ट करेंगे, निकलेंगे जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या लिया जी मैंने, एक ये ली है ये वाली पैंट, इसको ज़रा ये थोड़े से दाग लगे हुए हैं, इसको धो लेंगे, है लेकिन मोटी अच्छी भली। और एक ये मैंने डिफरेंट कलर लिया, दोनों ही डिफरेंट कलर हैं और दोनों कलर मेरे पास नहीं है। एक ये है ब्लू कलर की, ये भी गंदी तो नहीं है लेकिन धो लेंगे। कपड़ा लेने से पहले हमेशा धो के पहनना चाहिए, क्योंकि केमिकल धोते हैं तो वो है कुछ ना कुछ इफेक्ट कर सकते हैं आपकी स्किन के साथ, इसलिए कपड़ा जब भी लें, इवन ब्रांडेड भी लें, धो के पहने। तो एक ये हो गई और एक ये ब्लैक वाली हो गई, तो अभी मेरे पास डिफरेंट कलर हो गए। तो अब मैं इजीली जो है चेंज कर सकता हूँ। और दोस्त भी कहते होंगे कि यार एक ही कलर पहन के जाते हो, या वो भी कहते हैं ये शायद एक ही पैंट पहन के आता है। तो अब इंशाल्लाह डिफरेंट डिफरेंट कलर हो गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह
सही हो जाएगा, सेट हो जाएगा। बाकी चिप्स लिए हैं, ये चिप्स लिए हैं, ये चिप्स खाने का दिल कर रहा था तो ये पकड़ लिए मैंने। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर करें, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का और हम सबको ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।